हेलो बिंदु, कैसे हैं सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फोटेक्नो लाइव। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए एक्सेल टॉपिक लेकर आए हैं और एक्सेल टॉपिक में हम जानेंगे कुछ सीक्वेंस नंबर के बारे में। तो जैसा कि गाइस, आप लोग जो टाइप करते हैं, मैं डायरेक्ट कंप्यूटर के चलता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप कोई नंबर या फिर जैसे कि सपोज दैट, जैसे हम आपको प्रैक्टिकल में बताते हैं, डे वन और डे टू लिख के इंटर करते हैं, ठीक है। डे टू लिख के इंटर करते हैं, स्पेस के साथ इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ पे ड्रैग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही ड्रैग करते हैं तो डे वन, डे टू, डे थ्री ऐसे करके नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, क्रम में। तो अगर आपको यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक यहाँ पे आपको कंडीशन दिया गया। कंडीशन क्या है कि कंडीशन आपको यहाँ पे यह दिया गया कि आप एक बार में ही जो है एक से लेकर 100 डेज का यहाँ पे सिक्वेंस नंबर तैयार करें एक बार में ही। तो आप कैसे कर पाइएगा, तो वीडियो को जरूर से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा लंबा वीडियो लेकर आए हैं, लंबा थोड़ा सा मतलब टाइम देकर आप सीखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वल टू साइन देना है, जहाँ पे भी जिस पोजीशन पे करना है उस पोजीशन पे रह के आपको यहाँ पे इन्वाइटेड कोमा में डे स्पेस इन्वाइटेड कोमा को क्लोज करना है और एंड देना है, ठीक है। एंड सिंबल देने के बाद आपको यहाँ पे सीक्वेंस लिखना है। सीक्वेंस जैसे ही लिखेंगे आपको टैब प्रेस या पूरा लिख के कोस्ट को ओपन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो नंबर लिखना है, जैसे डे वन, डे टू, डे थ्री, ये जो नंबर लिखना है वो आपको रो वाइज में लिखना है या फिर कॉलम वाइज में। अगर रो वाइज में लिखना है तो आपको पहले यहाँ पे कितना 100 नंबर लिखना है तो 100 यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको कॉलम वाइज में लिखना है डे वन, डे टू, डे थ्री ऐसे करके, तो आपको यहाँ पे 1 लिख के कॉमा लिखना है और 100 कर देना है। इससे क्या होगा, ये कॉलम वाइज में डे वन, डे टू, डे थ्री से लेकर डे 100 तक आ जाएगा। लेकिन आपको रो वाइज में चाहिए तो आप यहाँ पे 100 लिख के कॉमा दे के 1 कर दीजिए। मतलब कि पहला जो नंबर है वो आपका रो डिफाइन करेगा और दूसरा जो है वो कॉलम डिफाइन करेगा। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ जाइए, ठीक है। आपको यहाँ नीचे हिंट भी कर रहा है। उसके बाद कोस्ट को क्लोज करके आपको बस एंटर की प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डे वन, डे टू से लेकर आपको लास्ट 100 तक का दे दिया है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें रो वाली, तो रो वाइज में कर कॉलम वाइज में भी हम करके आपको दिखा देते हैं। इक्वल टू देना है और यहाँ पे लिखना है, सॉरी, इन्वाइटेड कॉमा डे, इन्वाइटेड कॉमा क्लोज, उसके बाद डॉलर, सॉरी, एंड का सिंबल देना है, डॉलर नहीं गाइस, एंड का सिंबल देना है, एंड सीक्वेंस, मैं डॉलर बोल गया था सॉरी, उसके लिए आपको यहाँ पे एंड का सिंबल देना है, ठीक है। और यहाँ पे 1 देंगे और कॉमा देने के बाद 100 करेंगे। 100 कॉमा देने के बाद अब यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो स्टार्ट हुई है नंबर वो 100 पे जाके एंड हो जाएगी। तो ये था आपको कंडीशन के हिसाब से 100 नंबर टाइप करने का तरीका, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से दीजिएगा। चलिए, हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।